है, 2 से 3 आंवला ले लेना है, 2 ले लेना है बीट, छोटा छोटा बीट ले लेना है। लेने के बाद आपको बारीक काट लेना है उसको, दोनों सामग्री को बारीक काट लेना है। बारीक काटने के बाद आपको मिक्सर ले लेना है या सील बट्टे पे आप इसको बारीक पीस दो। बारीक पीस के इसका जूस बनाना है आपको। आपको यकीन नहीं होगा, 4 से 5 दिन आप इसका इस्तेमाल कर दिए इसके जूस का, तो आपके आँखों की रोशनी धीरे धीरे बढ़ने लग जाएगी और आपके आँखों के सामने जो अंधेरा जरा भी होना कम हो जाएगा। और दोस्तों, आपके अंदर जो कमजोरी रहेगी, किसी भी प्रकार की कमजोरी है, आपकी मानसिक कमजोरी हो या शारीरिक कमजोरी हो, किसी भी प्रकार की कमजोरी है, वो धीरे धीरे दूर हो जाएगी। नमस्कार दोस्तों, मैं प्रेम नाथ रोम, आप लोग का हमारे यूट्यूब चैनल जड़ी बूटी का देसी नुस्खा में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आप इसे देख रहे हैं तो जानते भी होंगे, अगर नहीं जानते तो मैं क्या करने के लिए बैठा हूँ आपको बताने के लिए। तो दोस्तों, आप इसे देख लो और पहचान लो। दोस्तों, आज हम बात करेंगे कि हमारी बहुत सी माताएं ऐसी हैं, बहुत से भाई ऐसे हैं कि जिनको आंखों से कम दिखाई देता है, तो आज हम उसी के बारे में बात करेंगे कि इस औषधि का इस्तेमाल करके आंखों से साफ कैसे दिखेगा। बहुत से ऐसे भाई हैं कि जिनको रात में भी हो जाता है, रात को उनको दिखाई ही नहीं देता, बिल्कुल ऐसा लगता है कि वो अंधे हो गए हैं, जिसको रतौधी बोला जाता है। दोस्तों, ये सारी बीमारी जो है इस औषधि के इस्तेमाल से बिल्कुल जड़ से खत्म होने वाली है। अपने चश्मे को हटाने का ये बहुत बेहतरीन नुस्खा है। दोस्तों, आप इसका इस्तेमाल करके अपने चश्मे को हटा सकते हैं। तो दोस्तों, आपको करना क्या है कि अगर ऐसी प्रॉब्लम है, आपके आंखों से कम दिखाई देता है, आपके आंखों से धुंधला दिखाई देता है, आपके आंखों के सामने अंधेरा छा जाता है, ये सारी समस्या बिल्कुल जड़ से खत्म होने वाली है इस औषधि से। तो आपको करना क्या है इसके लिए, हमारे पूरे भारतवर्ष में पाया जाता है दोस्तों, इसको चुकंदर बोला जाता है, बीट बोलते हैं लोग शहर और सिटी में, बीट बोलते हैं, चुकंदर बोलते हैं, और इसके बाजू में जो है, इसके बगल में जो है, उसको आंवला बोलते हैं। उसको तो देखते ही आप पहचान गए होंगे कि उसको आंवला बोला जाता है। ये दोनों चीज से हम ऐसी औषधि तैयार करेंगे कि जो अपने आँखों के रोशनी को बढ़ाएगा और आपके आंखों के सामने जो धुंधलापन आता है वो बिल्कुल जड़ से ख़त्म होगा और आपको जो कमजोरी महसूस होती है वो बिल्कुल जड़ से ख़त्म होगी इस औषधि के इस्तेमाल से। तो आपको करना क्या है दोस्तों, आपको पता है कि आंवला हमारे पूरे भारतवर्ष में पाया जाता है, हर राज्यों में पाया जाता है, और उसी प्रकार से ये जो बीट है, चुकंदर जिसको बोला जाता है, ये भी हमारे पूरे भारतवर्ष में पाया जाता है। तो हाँ, आपको इसी का इस्तेमाल करके अपने आँखों की रोशनी को बढ़ाना है। और दोस्तों, आपको पता है कि आंवले में कैल्शियम पाया जाता है, कैल्शियम की भरपूर मात्रा रहती है। दोस्तों, हमारी कैल्शियम हमारी बॉडी को कितना ज़रूरी होता है, आपको शायद उसका नॉलेज नहीं है कि हमारी बॉडी में कितना मायने रखता है कैल्शियम। दोस्तों, कैल्शियम की वजह से हमारी आंखों पे जो प्रभाव होता है, कैल्शियम की कमी की वजह से होता है। हमारे अंदर जब कैल्शियम की कमी होती तो हमारी आँखों से धुंधला दिखाई देता है, कैल्शियम की कमी होती तो हमारे जोड़ों में दर्द रहता है, कैल्शियम की कमी होती तो हमारे कमर में दर्द रहता है, कैल्शियम की कमी होती तो हमारे रीढ़ की हड्डी में दर्द होता है। दोस्तों, ये कैल्शियम की कमी जो बॉडी को चाहिए होती है। और दोस्तों, उसी प्रकार से ये जो बीट होता है, बीट में बहुत ज़्यादा तदार में का नाम कैल्शियम, प्रोटीन, मैग्नीशियम ये पाई जाती है, बहुत ही फायदेमंद होता है इसका इस्तेमाल करके। दोस्तों, प्रोटीन, कैल्शियम ये हमारी बॉडी को बहुत ज़्यादा इसकी आवश्यकता रहती है। दोस्तों, इसमें भरपूर मात्रा में कैल्शियम मिला हुआ है हमारे आंवले में, छोटे से आंवले में, और इस बीट में भरपूर मात्रा में कैल्शियम, प्रोटीन, मैग्नीशियम ये भरा हुआ है। औषधि से आंखों की रोशनी को कैसे वापस लाना है इस औषधि से, दोस्तों उसके लिए आपको करना क्या है कि आंवला ले लेना है। आंवला आपको मार्केट में आराम से मिल जाता है, और अगर आप गाँव से बिलोंग करते हो तो गाँव में आंवले का पेड़ लोग लगा के रखते हैं, आपके आस पास में ही मिल जाता है आंवला। तो दोस्तों, आपको आंवला लेना है, 2 से 3 आंवला ले लेना है, और 2 ले लेना है बीट, छोटा छोटा बीट ले लेना है। लेने के बाद आपको बारीक काट लेना है उसको, दोनों सामग्री को बारीक काट लेना है। बारीक काटने के बाद आपको मिक्सर ले लेना है या सील बट्टे पे आप इसको बारीक पीस दो। बारीक पीस के इसका जूस बनाना है। आपको यकीन नहीं होगा, 4 से 5 दिन आप इसका इस्तेमाल कर दिए इसके जूस का, तो आपके आँखों की रोशनी धीरे धीरे बढ़ने लग जाएगी और आपके आँखों के सामने जो अंधेरा भी होना कम हो जाएगा। और दोस्तों, आपके अंदर जो कमजोरी रहेगी, किसी भी प्रकार की कमजोरी है, आपकी मानसिक कमजोरी हो या शारीरिक कमजोरी हो, किसी भी प्रकार की कमजोरी है, वो धीरे धीरे दूर हो जाएगी। और दोस्तों, ये बीट जो है, इसमें बहुत ज़्यादा प्रोटीन पाया जाता है जो हमारी बॉडी को गर्म रखता है। और दोस्तों, आपको पता है कि हमारी बॉडी गर्म रहेगी तो हमारी बॉडी में किसी भी प्रकार की बीमारी जो है वो अटैक नहीं कर पाती है। और दोस्तों, बीट खाने से खून की भी मात्रा बहुत ज़्यादा बढ़ती है, खून बहुत ज़्यादा बनता है बीट खाने से। जिस प्रकार से आपको बताया गया उसी प्रकार से आप इसका जूस बनाइए, और जूस बना के आप डेली सुबह और शाम दोनों टाइम 15 दिन तक कंटिन्यू आप
इसका जूस का सेवन करिए। दोस्तों आपको यकीन नहीं होगा कि 15 दिन में आपके आंखों की रोशनी जो है वो डबल हो जाएगी, और जो आपका चश्मा रहेगा 0.0 का चश्मा अगर है तो 0.0 का चश्मा बिल्कुल हट जाएगा आपकी आंखों से। दोस्तों ये चश्मा हटाने की बहुत बड़ी टेक्निक है, बहुत बड़ा आयुर्वेदिक नुस्खा है ये। इस नुस्खे को आप ज़रूर एक बार मेरे कहने से आजमाइए दोस्तों, 100% ये आपको काम करने वाला है आपके ऊपर। तो दोस्तों ऐसी नॉलेजेबल वीडियो देखने के लिए वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाना ना भूलें दोस्तों, और वीडियो को शेयर कर दीजिए ताकि ज़रूरतमंद लोगों तक वीडियो पहुंचे और वो भी इसका लाभ ले सकें। मिलेंगे ऐसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।